मैं कुलदीप, मैं एक फिटनेस कोच हूँ, एक मेडिटेशन टीचर हूँ, नंदनवन गुर्जेनगर में मेरा योगा एकेडमी है, और मैं हमेशा फिटनेस और ब्यूटी के बारे में बात करते रहता हूँ। और ब्यूटी और फिटनेस का बहुत अच्छा और पुराना नाता है। अगर आप 90s के स्टार्स को देखो और अभी के स्टार्स को देखो, बहुत ज़्यादा फर्क है। 90s के आमिर खान को देखो, अभी के आमिर खान को देखो, बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। 90s के शाहरुख खान को देखो, अभी के शाहरुख खान को देखो, बहुत मतलब अब सिक्स पैक्स एब्स लेके घूमते हैं। इसीलिए अगर आप फिट रहोगे तो हिट रहोगे। फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ जैसे कि आप वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू सीट, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शांत रहने के लिए मेडिटेशन कीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू न्यूज़ इंडिया 24। ये बहुत बड़ा फैशन शो हुआ, इसमें लगभग 55 पार्टिसिपेंट थे और काफ़ी होनहार स्टूडेंट, छोटे बच्चे से लेकर लगभग 4 साल से बच्चे से लेकर 55 ईयर्स ओल्ड तक यहाँ पे सब लोग थे। और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, और ऐसे शोज़ होना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र में देखा जाए तो मुंबई और पुणे फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा सा आगे है, लेकिन अभी संतरा नगरी भी कोई बात नहीं है। हर महीने, अब मैं अपनी बात बताता, लगातार इस वीक में हम किसी ना किसी शो में एज अ गेस्ट, एज अ जूरी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ रही है। ये दिन भी बाकी नहीं है कि जैसे कि जैसे सुपरस्टार होते हैं ना, राजेश खन्ना, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, तो नागपुर से भी एक बड़ा सा सुपरस्टार निकलेगा। तो थैंक यू सो मच न्यूज़ इंडिया 24, आप यहाँ पे आए और हमें कवर किया, थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो केस प्रोडक्शन को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया, और आपके चैनल को भी, न्यूज़ इंडिया 24 चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने पूरा प्रोग्राम इतने अच्छे से कवर किए। क्योंकि कभी अगर प्रोग्राम होता है तो उसकी पब्लिसिटी बहुत मायने रखती है, तो आपने हमारा साथ स्टार्टिंग से दिया है और आगे भी देते रहोगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। और जितने भी कंटेस्टेंट थे, सच में बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन थी, किड्स थे, मिस्टर मिस एंड मिसेस भी था, तो हमको थोड़ा सा तो परेशानी हुई रिजल्ट निकालने में, लेकिन मेरे साथ और कोचेस थे उनके सपोर्ट के कारण, और मेरा भी ऐसा है तो बहुत अच्छा, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। और जैसे हमारे नेक्स्ट शो भी है, उसका भी हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट राउंड किया है, तो चाहते कि ऑडियंस का और आप लोगों का और सारे कंटेस्टेंट का ऐसे ही सपोर्ट हमको मिलते रहे। आपको कैसा लगा आज विनर मिला है तो? मेरा नाम प्रिंस गढ़े और फर्स्ट आया हूँ आज मॉडलिंग शो में, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो केस प्रोडक्शन में हुआ है, और ये सूरज करूँ सर की वजह से। और मैं अमरावती से आई हूँ, और यहाँ पे केएस प्रोडक्शन से मुझे ये विनर का हाइट आई मिला है, बहुत खुशी हो रही है। मुझे एक्चुअली मैं शॉक में थी जब मेरा नाम अनाउंसमेंट किया, बट जब किसी को मेरा अनाउंसमेंट किया तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे विनर का एक आई मिला। आप लाइफ में अगर आपको और ऐसे चांस मिलते हैं तो आप क्या करना चाहोगे? लाइफ में अगर मुझे और चांस मिले तो मैं अखबार में आना चाहूँगी फर्स्ट पेज। जी, मेरा नाम उत्कर्ष कृष्णशील जी है, और मैंने इस शो को आज भी है, मतलब इंडियाज ग्लोब ब्यूटी आइकॉन को मैंने होस्ट किया है, और सूरज करू सर का मैं नाम देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे का मौका दिया मुझे, और सारे पार्टिसिपेंट काफ़ी तगड़े थे और कॉम्पिटेटिव थे, बहुत ही अच्छे थे। और ऐसा शो नागपुर में, मतलब उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करवाया है हमारे केएस प्रोडक्शन, थैंक यू कहना चाहूँगा मैं सारे पार्टिसिपेंट को और सूरज सर। सूरज सर, आप क्या बताना चाहोगे? आपका ये इवेंट है जो हुआ है आज, आपका इवेंट भी काफ़ी अच्छा सुपर डुपर हुआ है, इसके पहले भी आपने इवेंट किए थे, उस इवेंट में भी काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज मिला है, इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा कि इवेंट को लेने के लिए मुझे 6 महीने लगे, ठीक है, तब जाके ये इवेंट हुआ, और इतने सारे पार्टिसिपेट, कुछ लोग आए, कुछ हेल्प किया किसी ने, ये सारे लोगों की वजह से हुआ, उसको जमाने के लिए मुझे 6 महीने लगे। सर, और आगे फ्यूचर में आप और कौन सा इवेंट लाना पसंद करेंगे? मेरा इसके आगे का एक नया कंसेप्ट है, सुंदर अस्तित्व, जो ऐसे फेक जो रहते हैं जो लोगों में, उनके कोई प्रोग्राम नहीं करो, वो लोग आगे नहीं आते, उनको मैं आगे लाना चाहता हूँ। जो मेरा इवेंट रहेगा अप्रैल में, उसका मेरे पास बोर्ड भी है,
मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है अप्रैल में, मी सुंदर अस्थी तर इंडिया इवेंट ग्लैमर सीजन 2, इसमें मैं नए कंसेप्ट के साथ आ रहा हूँ नागपुर में। ये मेरा रहेगा सबसे हिट प्रोग्राम, और जो एसिड फेंक होते हैं उनको कोई आगे नहीं लाता, तो मैं अभी ये प्रोग्राम के जरिए उनको आगे लाना चाहूँगा। मैंने लॉन्ग ड्राइव किया ना, वो लॉन्ग ड्राइव में मेरे बारे आ जाते हैं आइडिया, जितनी मैं लॉन्ग ड्राइव करूँगा ना उतने लॉन्ग ड्राइव में मेरे आइडियाज आ जाते हैं नए नए नए। सर ये कितने सालों का आपका सफर रहा इसमें? एक्चुअली मैं शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मेरे को 2-3 साल हो गए, और ये फील्ड में मैं 8 साल से हूँ। थैंक यू।